आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। लगभग 125 मोबाइल जो है इनकी कीमत लगभग मार्केट में 25 लाख की है। ये हमारे जनपद बांदा से विभिन्न लोगों के विभिन्न तारकों में खोए थे। इसके लिए आप सभी जानते हैं कि विशेष टीम जो हमारी साइबर सेल और एकदम जो सर्विलेंस की स्वॉट की टीम है, ये लगातार इन पे काम करती रहती है। जब भी जैसे मोबाइल चोरी होता है, गिर जाता है, तो कुछ दिन बंद रहता है, उसको फिर कोई उठा लेता है कि दुकान पे भेज देता है, और जो कस्टमर होता है जो उसको परचेज करता है उसको कई बार नॉलेज नहीं होती, उसको फर्जी बिल दिखाते हैं कि ये सेकेंड हैंड मोबाइल है, और हालांकि वो चोरी का या गिरा हुआ मोबाइल होता है उसको बेच दिया जाता है। तो उसमें लगातार जब टीम सर्विलेंस में काम करती है तो इन सबको बरामद करती है, उसमें संपर्क करती है लोगों को, क्योंकि जो कस्टमर होता है जिसको जानकारी नहीं होती और वो फर्जी बिल के ऊपर उसको सच्चा मानते हुए कार्रवाई करके उसको खरीद लेता है, तो उसके ऊपर इसलिए हम दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते। अगर वो अपना मोबाइल लौटा देता है ये बता के कि साहब हमें जानकारी नहीं थी, हम तो परचेज किए थे, जो दुकानें हैं उन सबको हम नोटिस इशू करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, मुकदमे भी लिखते हैं जो इस तरह का सेकेंड हैंड मतलब मोबाइल दिखा के हालांकि जो चोरी का या गिरा हुआ मोबाइल है उसको बेचते हैं। और आज सभी लोगों को हमने बुलाया भी है, 125 लोगों को जिनके मोबाइल खो गए थे, गिर गए थे, और सभी को आज ये मोबाइल उनको वापस दिया जा रहा है। और लगातार ये अभियान पहले भी चला था, उसमें भी बहुत सारे मोबाइल रिकवर हुए थे, और फिर से चलाया गया है, और आने वाले समय में और भी जितने खोए हुए मोबाइल हैं जनपद के, उसमें पूरा प्रयास रहेगा उनको बरामद करना। सर, कितनी कीमत के ये मोबाइल है और क्या कुछ गिरफ्तार भी हुए क्या? इसमें लगभग 125 मोबाइल हैं जो 25 लाख के हैं। तो प्राइमा फेसा जो हमने अभी जितने लोग से संपर्क हुआ हमारा, जिनको नॉलेज नहीं थी, उनसे मोबाइल बरामद किए हैं। कुछ 3-4 शॉप्स हमारे जो विभिन्न अलग जनपदों में हैं, जहाँ पे जो चोरी का या गिरा हुआ मोबाइल परचेज करती हैं, उनको हमने कार्रवाई करने के लिए नोटिस इशू कर दिया है, सभी पे मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की। सर, ये अभियान और भी चलेगा या बस? लगातार अभियान चलेगा, जितने ऐसे मोबाइल हैं उनको बरामद किया जाएगा, ठीक है, और उनको जो उनके ओनर्स हैं उनको वापस दिया जाएगा, ताकि इस तरह की कोई भी गतिविधि चोरी के सेकंड हैंड मोबाइल इस तरह से बेच के उसको गलत तरीके से मार्केट में ना चले। सर, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।